एक बहुत जरूरी खबर आ रही है। FTIL पर बड़ा एक्शन हुआ है। मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने FTIL पर बड़ा एक्शन लिया है। FTIL की सारी चल और अचल संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। NSEL केस की वजह से FTIL के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। हम आपको बताएं, इसके तहत जिग्नेश शाह पहले से ही 1 अगस्त तक जेल भेजे गए हैं। दरअसल FTIL की बैलेंस शीट में 2000 करोड़ रुपए की नकदी भी अटैच हुई। NSEL केस की वजह से FTIL के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत जिग्नेश शाह पहले से ही 1 अगस्त तक जेल भेजे गए हैं। बड़ी खबर यही आ रही कि FTIL पर बड़ा एक्शन। मुंबई पुलिस की EOW ने FTIL पर बड़ा एक्शन लिया है। FTIL की सारी चल और अचल संपत्तियां जब्त की गई हैं। FTIL की बैलेंस शीट में 2000 करोड़ रुपए की नकदी भी अटैच हुई है और NSEL केस की वजह से ही FTIL के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में हम आपको बताएं कि कुछ समय पहले ही जिग्नेश शाह 1 अगस्त तक भी जेल भेज दिए गए हैं। मेरे सहयोगी तरुण से बात करते हैं इस पूरी खबर पर। तरुण, क्या अपडेट है? तरुण, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल स्वाति, मैं बताना चाहूंगा कि आज मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की सभी एसेट्स को सीज कर लिया है और जो बैलेंस शीट पे करीबन 2000 करोड़ का जो कैश है, मतलब जो म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है या जो कैश के तौर पे जो पैसा रखा गया है उसको भी सीज कर लिया है और जो चल अचल संपत्तियां हैं FTIL ग्रुप की, उन सभी को मुंबई पुलिस EOW ने सीज कर लिया है। तरुण, क्या आप ये बता पाएंगे कि एक बड़ी कार्रवाई हुई है FTIL के ऊपर, आखिर किस तरह की आशंका यहाँ पर थी जिस वजह से यहाँ पर संपत्ति जब्त की गई है FTIL की? मैं चाहूंगा मृत्युंजय कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग अपना एक फॉरेंसिक ऑडिट करवा रहा था, एक मनी ट्रेल यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की तरफ से भी की जा रही थी। हाँ। उसी के चलते ये जो कार्रवाई है उसी के चलते हुई है। दो ऑडिटर्स ऑलरेडी अपॉइंट थे जो NSEL के मामले में मनी ट्रेल एस्टेब्लिश कर रहे थे। EOW को उसी में सबूत मिले हैं, उसी के चलते आज FTIL के सभी चल अचल संपत्तियों को सीज किया गया है। क्या तरुण, ये माना जाए कि ये मामला काफी बड़ा हो गया है, क्योंकि अगर FTIL की संपत्ति यहाँ पर जब्त हो रही है, जो बात यहाँ पर आप कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि गड़बड़ी की जो तार है वो काफी लंबी है और FTIL भी अब उसकी चपेट में पूरी तरह से आता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल मृत्युंजय, मैं बताना चाहूंगा कि अब जो ये मामला है वापस 3 साल बाद वापस गर्मा गया है और इस समय अब जो सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस बात पे आके रुक गई हैं कि जो ये पैसा है ये कहीं ना कहीं FTIL ग्रुप में गया है। चाहे आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन देखिए, चाहे आप इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की इन्वेस्टिगेशन देखिए, सभी में ये बात सामने निकल के आ रही है कि जो पैसा है वो FTIL के थ्रू ही बाहर रूट हुआ है। इसी वजह से अब FTIL की जो संपत्ति है उनको सब जब्त किया गया है। तरुण, क्या अब इस मामले में सेबी का भी रोल बड़ा हो जाता है, क्योंकि अगर FTIL के ऊपर आंच आती है तो सीधा सीधा जो रेगुलेटर का मामला होगा उसमें सेबी कहीं ना कहीं सख्ती यहां पर बढ़ा सकती है? क्या कुछ आपको इस तरह की जानकारी मिल पा रही है या फिर आपकी कोई बात हुई हो कि अब अगला कदम सेबी की तरफ से क्या होने वाला है? बिल्कुल बिटुन जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, क्योंकि सेबी की तरफ से काफी ढीला रवैया इस पूरे मामले में अख्तियार किया गया था। कई रिट भी इसमें फाइल की गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट में, सेबी ने यहां तक उस रिट का जवाब देना भी सही नहीं समझा, केवल एक एफिडेविट फाइल कर दिया था। लेकिन अब जब FTIL एक लिस्टेड कंपनी है और एक पूरी तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे सवाल उठ गए हैं, तो अब सेबी यहां पर एक्शन लेगा और उम्मीद की जा सकती है एक बड़ा एक्शन सेबी की तरफ से भी देखने को मिलेगा। क्योंकि लेकिन ये कहना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काफी देर हो चुकी है, 3 साल बाद अब जाके सेबी हरकत में आएगा और अब यहाँ पे इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाएगा। तरुण, आपको याद होगा जब FMC ने इस पूरे मामले की जांच की थी तब FTIL और जिग्नेश शाह दोनों को एक्सचेंज चलाने के लिए अनफिट करार दिया गया था। अब कहीं ना कहीं FMC का ये दावा पुख्ता होगा और इसको भी आधार बनाया जा सकता है सेबी की तरफ से?
बिल्कुल मृत्युंजय, यदि आप एसएमसी का जो अनफिट का जो ऑर्डर था उसको गुजरात हाईकोर्ट ने भी अपहेल्ड किया, उस ऑर्डर को कई और ऑर्डर्स के लिए एक बेस माना गया है, काफी स्ट्रांग ऑर्डर एसएमसी की तरफ से पास किया गया था, लेकिन सेबी ने उस समय केवल एसएमसी का जो ऑर्डर था उसको कॉपी करके ये बोल दिया था कि आप जो उनका M6 एसएक्स का जो MSEI है उसमें केवल 2% तक का वो स्टेक रख सकते थे एज पर द सेबी रूल, लेकिन अब जब सीधी कार्रवाई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के ऊपर हो रही है तो लिहाजा अब सेबी को हरकत में आना पड़ेगा, और जिस तरीके से विजय माल्या के केस में डिफॉल्टर्स के तौर पे वो कार्रवाई कर रहे हैं उसी तरीके से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के प्रमोटर्स पे भी सेबी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। तरुण, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे और ये भी पूछना चाहेंगे, जिस तरह से कार्रवाई की रफ्तार तेज हुई है ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो बकाया है निवेशकों का NSEL के ऊपर उसकी भुगतान की प्रक्रिया भी तेज होगी? बिल्कुल, ये आप यदि देखेंगे जब से बॉम्बे हाईकोर्ट ने कमेटी का गठन किया था करीबन 2 साल हो गए हैं, उसके बाद से एक भी रुपया निवेशकों को नहीं मिला था, लेकिन अब जब अपने जो हमारे सोर्सेज हैं जो इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसमें ये भी है कि कई टॉप मिनिस्टर्स भी इस कार्रवाई को रोक रहे थे, इस वजह से उनको अपना मिनिस्ट्री भी छोड़नी पड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक बड़ा मामला बन गया था। तो अब जब कैबिनेट रीशफल हुआ, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ लोग वहां से हटे, उसके बाद से ये कार्रवाई तेज हुई है, और आज 19 तारीख को जो एक महत्वपूर्ण खबर है हमारे दर्शकों के लिए और NSEL के निवेशकों के लिए कि 19 तारीख को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बिठाई थी, उसके बाद ही आज मुंबई पुलिस EOW ने ये एक्शन लिया है, और सेबी को भी आज अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि जो ब्रोकर्स उन्होंने क्या एक्शन लिया। रही हमारे साथ केतन शाह जुड़े हैं, NSEL के इन्वेस्टर हैं। केतन, जो बात यहां पर आज हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है FTIL के ऊपर, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, ये तो कभी का ओवरड्यू था, अंडर MPID एक्ट प्रमोटर्स की एसेट सीज करना जरूरी था, ढाई साल से क्यों नहीं हुआ वो हम कंटिन्यूसली क्वेश्चन कर रहे थे। हमने EOW मुंबई को कहीं लीगल सबमिशन दिए कि ये जरूरी था और फाइनली ये हुआ है, ये काफी अच्छा है होगा इन्वेस्टर्स। नहीं, आपकी दिलचस्पी प्रमोटर की संपत्ति अटैच होने में है या फिर आपकी दिलचस्पी इसमें है कि NSEL के जो निवेशक है उनका भुगतान जल्द से जल्द हो सके? आप दो गलत क्वेश्चन कर रहे हो, अगर प्रॉपर्टी अटैच होगी जिसमें 2000 करोड़ कैश है तभी तो भुगतान होगा इन्वेस्टर्स का। नहीं, भुगतान होगा सर, ये इसलिए मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ कि तभी हो सकता है, सबसे बड़ा एसेट है पूरा स्कैम में, सबसे बड़ा एसेट है 2000 करोड़ कैश लाइंग विद FTIL दैट हैज टू बी पेड टू NSEL इन्वेस्टर्स अंडर MPID लॉज। तो क्या आपको ये उम्मीद अब बढ़ रही है कि निवेशकों का भुगतान जल्द हो जाएगा इस कार्रवाई के बाद? बिल्कुल, CM सर देवेंद्र फडणवीस जी काफी एक्टिवली इन्वॉल्व हैं ये इन्वेस्टिगेशन में, and he is fully supporting investors and I am sure ki jaldi se jaldi payment kuch investors ko milega, aur PMO office bhi kafi closely monitor kar rahi hai ye sabhi developments ko jisse ED ki action hui hai, aur hum kafi hopeful hain ki kuch na kuch zarur milega investors ko turant। To kya ab aapko regulator se ya fir authority se koi shikayat nahi hai jo karwai ki raftar yahan par aap dekh pa rahe hain? Hame sirf SEBI se shikayat hai kyunki SEBI ne high court ka order hone ke baad bhi FTIL aur Jignesh Shah ka role NSEL scam mein aaj tak investigate nahi kiya gaya, it amounts to contempt of court, matlab ek had ho gayi ki Mumbai high court ka order bhi inhone side mein rakhe koi investigation kiya hi nahi, SEBI se hame kafi shikayat hai। SEBI se ab aap kya expect kar rahe hain is kadam ke baad, SEBI ka agla kadam FTIL ko lekar kya hona chahiye? SEBI को कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो CIS है उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहिए और जो भी लीगल कार्रवाई है वो खत्म करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका केतन हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर, FTIL के खिलाफ एक बड़ा एक्शन हुआ है और FTIL की चल अचल संपत्ति जब्त करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए, तो बड़ी कार्रवाई हुई है। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि 5600 करोड़ का ये घोटाला था NSEL का, 2013 में ये मामला सामने आया था और तब NSEL पर तत्काल प्रभाव से कारोबार को रोक दिया गया था, और उसके बाद इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई। तत्कालीन जो MD CEO थे NSEL के अंजनी शाह, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जो जिग्नेश शाह प्रमोटर थे इनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि जिग्नेश शाह लगातार ये बात कह रहे थे कि उनकी इसमें कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन ये तमाम जो उनके दावे थे वो खारिज हो गए और एक बड़ी कार्रवाई अब FTIL के ऊपर की गई है। स्वाति जी, इस वक्त की बड़ी खबर यही है। इनफैक्ट हम आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दें, कल मुंबई की ED कोर्ट ने FTIL के प्रमोटर जिग्नेश शाह को 1 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया था, और एक बहुत बड़ी गतिविधि इसमें शामिल। जी जी जी, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ
बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी हैं। सर स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या आपको लगता है कि देर आए दुरुस्त आए वाला कदम है ये? वास्तव में जो FTIL की जो भी ये एड वैल्यूएशन है वो NSTL के स्कैम के कारण है। और इसके लिए मेरी पहली जो PIL जो हुई थी उसमें भी मैंने कहा था कि FTIL का वैल्यूएशन पब्लिक इशू NSTL स्कैम उसके जो बोगस आर्टिफिशियल टर्नओवर के कारण वैल्यूएशन हुआ था। और जितने शाह ने यहां से पैसा कहां का पार्क किया और कभी ना कभी तो एक्शन होनी चाहिए थी। अब ये थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव एक्शन दिखाई दे रही है लेकिन अर्थात मुंबई पुलिस के पास इस संबंध में डॉक्यूमेंट हो गए। और मैं चाहता हूं कि अधिकाधिक एग्रेसिव एक्शन हो और निवेशकों का पैसा वापस मिले। सर अब सेबी की तरफ से आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई हुई है FTIL की तरफ से, अब सेबी को किस तरह का कदम उठाना चाहिए इस पूरे मामले में? हाँ जी सुमैया जी आपको आवाज आ रही है सर? लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जो बात यहाँ पर किरीट सुमैया कह रहे थे कि वो शुरुआत से इस बात को उठा रहे थे कि FTIL की संपत्ति जब्त होनी चाहिए क्योंकि NSTL का काफी ज्यादा पैसा इस बात के आरोप लगाए जा रहे थे कि FTIL में लगा हुआ है। जी स्वाति, तो बहुत बड़ा एक्शन सामने आया। इनफैक्ट मृत्युंजय ईडी ने 5 दिन के लिए जिग्नेश शाह की हिरासत की मांग भी की थी और दलील ये दी थी कि जिग्नेश शाह से और पूछताछ करनी है। आपको लगता है आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से हो सकता है? बिल्कुल स्वाति, और जिग्नेश शाह के ऊपर भी जो है कार्रवाई की रफ्तार तेज हुई है। आपको बता दें कि NSTL केस में ये दूसरी बार गिरफ्तारी है जिग्नेश शाह की। हालांकि जिग्नेश शाह लगातार इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे थे कि उनकी कोई भागीदारी इस पूरे मामले में नहीं है और वो पूरा ठीकरा NSTL के जो तत्कालीन MD CEO थे अंजनी सिन्हा उनके ऊपर फोड़ रहे थे। हालांकि अंजनी सिन्हा ने भी अपने एफिडेविट में ये बात कही थी कि जिग्नेश शाह को पूरे मामले की जानकारी थी और परत दर परत ये मामला खुलता गया और अब जिग्नेश शाह पूरी तरह से पुलिस की गिरफ्त में। जी इस वक्त की बड़ी खबर पर हमने चर्चा की। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी अपडेट इस पूरी खबर पर हम आपको देते रहे।